गुड डे फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं, मोशन ऑफ थ्री ब्लॉक्स। तो इन तीनों ब्लॉक्स का मास हमने 10 kg लिया है। तीनों पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, 18 न्यूटन का लेफ्ट साइड में, इस पर 100 न्यूटन का राइट साइड में, और इस पे 15 न्यूटन का लेफ्ट साइड में। एबीसी ब्लॉक के नाम रख दिए हैं और तीनों के बीच में म्यू एस और म्यू के का वैल्यू डिफरेंट रखा है, उसके हिसाब से ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन दोनों के बीच में एफ एस मैक्स 30 न्यूटन है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन है, मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन का है, और ये सी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 90 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन है। अगर म्यू एस और म्यू के दिया होता है तो आप एफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू के एन और म्यू एस एन करके। मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपके लिए वैल्यूज डायरेक्टली लिख दी हैं। तो अब अगर इसका मोशन डिस्कस करना है बच्चों, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि तीन ब्लॉक्स का जो मोशन होता है, तीनों पे फोर्स लग रहा हो, दो पे लग रहा हो, एक पे लग रहा हो, व्हाटएवर, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या आप ये जजमेंट ले पा रहे हैं कि किसी एक ब्लॉक में रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर हो सकता है कि नहीं, या कोई ब्लॉक मूव करेगा ही या नहीं करेगा, या तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। देखो, पहली बात, अगर आपको यह जजमेंट नहीं आ रही है कि पता नहीं चल रहा है कि कोई ब्लॉक किसी के ऊपर स्लिप करेगा कि नहीं, बिकॉज ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं यहां पर और यहां पर और यहां पर, ये सारे एफ एस की जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम वैल्यू दी हुई हैं, और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आपको मालूम है जब तक एक्सटर्नल फोर्स एफ एस मैक्स को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये एफ एस 30 नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 30 से कम रहेगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एस वही होगा जितना की एफ की वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स की है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सपोजिंग 20 न्यूटन है तो ये एफ एस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमको पता नहीं होता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो एफ एस मैक्स तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इसलिए हम ये जजमेंट ले नहीं पाते हैं कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा। अगर आप ले पा रहे हैं, मान लीजिए सिचुएशन ऐसी दी हुई है कि यू आर एबल टू टेक अ जजमेंट कि भाई ये ब्लॉक तो रिलेटिवली मूव कर जाएगा विद अदर वन, या ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, उसको आप पहले ट्रीट करें। लेकिन अगर आप ये जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं कि किसी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, या कोई ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन आप नहीं ले पा रहे हैं जजमेंट का, तो फिर आप एज्यूम करिए कि तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में देखो क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स है, और इसको अगर स्लाइड करना है ग्राउंड के ऊपर तो इसको 90 न्यूटन का फोर्स ओवरकम करना है। तो यहां पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 90 न्यूटन हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं ऐसे खींच रहा हूं इसको, मेरे पास है करीब 15, अगर मुझे 75 कहीं और से मिल गया तो फिर ये ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, और फिर दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 60 न्यूटन, लेकिन पहले मुझे 90 के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसके पास और फोर्स कहां से आ सकता है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां से आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना है, 60 है। अगर दोनों साथ में मूव किए, अगर ये दोनों साथ में मूव किए तो मैं 60 न्यूटन तक का फोर्स इन दोनों के बीच में मान सकता हूं, और ये 60 न्यूटन का फोर्स इसको इस तरफ हेल्प कर सकता है। अगर ये पीछे लगा इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा, मैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन सोच रहा हूं कि इसको यहां से 60 न्यूटन की हेल्प मिल सकती है अगर ये वाला फोर्स इस पर इस तरफ लग जाए, तो भी मैं देख रहा हूं कि 60 प्लस 15 कितना बनेगा, 75, मतलब मैं 90 को क्रॉस नहीं करूंगा। इसके पास और कोई एक्सटर्नल फोर्स का सोर्स नहीं है, खाली ये फ्रिक्शनल फोर्स था जो इसको हेल्प कर सकता था इस तरफ जाने में। तो मैं देख रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी है, 75 है, वो 90 को क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्लियर कट ये हो चुका है कि ये ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है, ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा ग्राउंड के ऊपर। ये बात मुझे समझ में आ गई। देखो किस तरह से हमने सोच के ये जजमेंट ले लिया कि सी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हमने ये देख लिया कि सी ब्लॉक पर मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना हो सकता है, कहां से यहां से उसको मदद मिल सकती है, वो हमने देख लिया, और फिर जजमेंट ले लिया कि भाई ये अपने एफ एस मैक्स को क्रॉस नहीं कर रहा है 90 न्यूटन को, देयरफॉर ये ब्लॉक अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा। अब इन दोनों ब्लॉक पे आते हैं, ये 18 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है।
दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो पहला हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मे बी दे विल मूव टूगेदर। अगर ये मूव करेंगे ना दोनों, अगर ये मूव करेंगे मतलब ये इसके ऊपर मूव कर गया है, तो इन दोनों के बीच का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा 40 न्यूटन, नॉट 60, क्योंकि हम कह रहे हैं ये और भी दोनों मूव कर गए विद द हेल्प ऑफ दिस 100 फोर्स एंड 80 न्यूटन फोर्स, मे बी दोनों मूव कर गए हैं। अगर मूव कर गए हैं तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन कितना होगा, सबसे पहले वो निकाला जाता है, आपको बता रखा है मैंने। तो लेट अस ड्रॉ द सिचुएशन, मेरे पास ये 10 न्यूटन का ए ब्लॉक है, 10 न्यूटन का ए ब्लॉक, ये दूसरा 10 न्यूटन का बी ब्लॉक है मेरे पास, ये बी ब्लॉक मेरे पास, इसके ऊपर 80 न्यूटन का फोर्स है और इसके ऊपर ये 100 न्यूटन का फोर्स है, आप देख सकते हैं राइट साइड में ये वाला फोर्स, और मैंने बताया कि अगर ये मूव करेंगे तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन 40 इन दोनों के बीच में ज्यादा, बिकॉज ये तो मूव नहीं कर रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स रहेगा। अब अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ, अगर ये 100 की तरफ इस तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरह से रहेगा, नेचुरली फोर्स ऐसे खींच रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये 40 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, ये बैकवर्ड क्यों नहीं आपको समझ में आना चाहिए, ये ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं तो नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक जो सी है जो मूव नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये 100 मीटर से आगे जा रहा है, तो सी ब्लॉक इसको रुकाने की कोशिश करेगा, इसलिए 40 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, इसलिए इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज नीचे सी है वो रुका हुआ है हमने देख लिया है, और ये 100 न्यूटन की वजह से आगे जा रहा है, इसको लग रहा है कि ये 100 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है इसको आगे, तो ये वाला ब्लॉक सी जो है नीचे वो इसको रुकाएगा, मतलब 40 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ, और वही 40 इस पर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज एफ एस मैक्स क्रॉस नहीं हुआ है। बना लेते हैं सी आपको चाहिए तो, अगर आपको समझना है तो चीजों को, तो सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, ये 10 केजी का सी ब्लॉक हो गया, यही 40 न्यूटन यहां पर आ जाएगा, और अब बिकॉज इसको आगे खींच रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर ये हो जाएगा 40 न्यूटन का ग्राउंड और इसके बीच में, जो कि अवेलेबल मैक्सिमम कितना था 90, तो एक्सटर्नल फोर्स 40, तो ये भी 40 हो गया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया। ओके, हमने कहा दोनों को सेम एक्सीलरेशन आगे जाना है, नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है देखो, 100 माइनस 40 माइनस 18, तो 100 माइनस 40 60 माइनस 18 दैट विल बी 42, तो 42 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में बचा, 42 न्यूटन का फोर्स 100 माइनस 40 60 माइनस 18 42, तो एक्सीलरेशन 42 न्यूटन की वजह से यहां पर कितना होगा 4.2 नेट मास अपॉन फोर्स अपॉन मास, तो मेरे पास नेट फोर्स 42 का है, नेट फोर्स 42 का है तो, और अच्छा एक मिनट, नेट फोर्स मेरे पास 42 का है तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, आई एम सॉरी, एफ नेट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए, एफ नेट कितना मेरे पास 100 माइनस 40 माइनस 18, ये एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है, 100 माइनस 40 60 माइनस 18 42, तो 42 इज इक्वल टू मास 10 प्लस 10 20 20 इंटू ए, तो ए मेरे पास आ गया 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों आगे जाएंगे 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट साइड में, बिकॉज राइट साइड में फोर्स नेट एक्सटर्नल बचता है मेरे पास। अगर एक्सीलरेशन 2.1 चाहिए तो इसके पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए 2.1 इंटू 10 कितना होना चाहिए 21 न्यूटन मास इंटू एक्सीलरेशन, इसके पास भी नेट फोर्स, इसके पास भी नेट फोर्स 21 न्यूटन होना चाहिए मास इंटू एक्सीलरेशन, ये बात हो गई। तो मेरे पास 21 न्यूटन का दोनों पर नेट एक्सीलरेशन नेट फोर्स होना चाहिए, देखो पीछे की तरफ यहां पे 18 फोर्स है और मुझे यहां पे आगे 21 चाहिए, मतलब यहां पर कोई फोर्स होना चाहिए जो इन दोनों के टोटल से मुझे ये बता दे, मुझे फोर्स इस तरफ चाहिए, तो एफ माइनस 18, मैं ए ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एफ माइनस 18 दैट विल बी 21, तो एफ कितना हो जाएगा 39, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए 39 न्यूटन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको पता है
कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना अवेलेबल है, 30 न्यूटन का। तो इसके पास ये 39 का सोर्स नहीं हो सकता। देखो ये 39 होता, ये 18, तो 39 माइनस 18 से मुझे 21 मिलता, ये बात होगी। और उसी 39 को अगर हम यहां लगा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, एफ को 39 यहां पे लगा दें, 100 मेरे पास था, 100 माइनस 40 60, 60 माइनस 39 21 देखो आ गया। लेकिन ये 39 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं करने वाले हैं, दे विल मूव सेपरेटली। तो सिचुएशन कैसे होगी, सी अपनी जगह पे खड़ा है, बी और ए के बीच पे रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, बी पर फोर्स इस तरफ है तो ऐसे निकल जाएगा, ए पर फोर्स ऐसे तो ऐसे निकल जाएगा, मतलब सीन ऐसे हो जाएगा, बी इस तरफ चला जाएगा, ए इस तरफ चला जाएगा रिलेटिवली टू ईच अदर। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा दोनों के बीच में और सिचुएशन क्या होगी उसको देख लेते हैं। देखिए लेट अस चेक, देखो अब दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मूव कर रहे हैं दोनों। तो ये मेरे पास 10 केजी का ए ब्लॉक हो गया, ये दूसरा 10 केजी का बी ब्लॉक हो गया मेरे पास, 10 केजी का बी ब्लॉक। ये इसका एक्सटर्नल फोर्स 18 न्यूटन, ये इसका एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन का, और बिकॉज ऐसे मूव कर रहा है तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा एफ के, 40 न्यूटन, बिकॉज स्लिप कर रहा है तो ये 40 न्यूटन का, वही 40 न्यूटन हमने यहां दिखाया हुआ, 40 न्यूटन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि स्लिप कर गया है, ये बात हो रही है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आपको समझना है कि ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, तो बी जब ऐसे जाएगा तो वो इसको आगे खींचेगा, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एफ के रहेगा मेरे पास, और उस एफ के की वैल्यू कितनी रहेगी, 20 न्यूटन। वही एफ के इस पर इस तरफ एड करेगा और वो एफ के हो जाएगा 20 न्यूटन, ये बात होगी। तो बिकॉज दे आर मूविंग तो उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगेन फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो बी आगे जा रहा है, ए इस तरफ जा रहा है, तो ए क्या करेगा, बी को ऐसे खींचेगा और बी ए को ऐसे खींचेगा। तो इस तरह से मैंने ये आपके लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस बनाए, बी आगे जा रहा है तो वही को अपने साथ आगे खींचेगा, ए पीछे जा रहा है तो वो बी को अपने साथ पीछे खींचेगा, टू अपोज रिलेटिव मोशन, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये रहने वाली है। तो मैं देख सकता हूं कि 10 केजी का जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स 20 न्यूटन का इस तरफ हुआ, 18 पीछे है, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन का हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे मेरे पास एफ नेट बचा 2 न्यूटन का, उसकी वजह से इसके पास नेट एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स अपॉन मास कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा जो ए ब्लॉक है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जाएगा राइट साइड में। ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये पीछे की तरफ था, आई एम सॉरी, आई एम मिस्टेकन, वेट वेट, ये 18 था मेरे पास, ये 20, हाँ ठीक है, ये फोर्स ज्यादा है और ये कम है तो ये इस तरफ जाएगा, ओके राइट। वो तो नेट फोर्स मेरे पास इस तरफ 2 न्यूटन का हो गया, तो इसके पास एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। बी को देख लेते हैं, 100 माइनस 40 60, 60 माइनस 20 40, तो इसके पास जो एफ नेट है वो 40 न्यूटन बचा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन आएगा 40 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है उसका कम है, भले दोनों फॉरवर्ड जा रहे हैं लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये फास्ट जाएगा ये स्लो जाएगा, ये फास्ट जाएगा ये स्लो, इसको लगेगा ये पीछे जा रहा है, भले दोनों ऐसे जा रहे हैं लेकिन ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम है तो इसको क्या लगेगा, ये पीछे जा रहा है बिकॉज इसका एक्सेलरेशन कम है, इसको लगने वाला है कि भले हम दोनों ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों ऐसे जाएंगे लेकिन इस वाले ब्लॉक को लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन कम है तो इसको लगेगा ये पीछे जा रहा है, और इस वाले को लगेगा कि ये इस तरफ जा रहा है बिकॉज इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये चीजों की, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो हमने बनाई थी वो करेक्ट है, भले ही नेट फोर्स इस तरफ है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा। तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह से जब तीनों ब्लॉक से फोर्स एक्ट कर रहे थे तो सी का एक्सेलरेशन जीरो आ गया, ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, ये हमने देखा और इस तरह से सिचुएशन आई। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और मेरे सारे वीडियोज प्लीज हमेशा लैंडस्केप मोड में देखिए, पोर्ट्रेट मोड में मत देखिए, आपको मेरी राइटिंग बहुत छोटी है शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो इफ यू रियली वांट टू सी द वीडियो
लैंडस्केप मोड में मेरे वीडियोस देखिए और नोट जरूर बनाइए बच्चों, नोट जरूर बनाइए अगर आपको रियली में सीखना है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।